सभी का मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। और ईद में बाजारों की रौनक देखते ही बनती है। ईद से कुछ दिन पहले ही जो तैयारियां शुरू हो जाती हैं वो वाकई में ऐसी होती हैं कि अगर आप देख रहे हैं टीवी पर या अपने मोबाइल फोन में तो आपकी इच्छा हो जाएगी कि हम भी चलें शॉपिंग के लिए, हम भी चलें खरीदारी के लिए। लगातार ईद के लिहाज से रौनक बाजारों की कुछ ऐसी भी है। हमारे सहयोगी कमल पहुंचे उन बाजारों में जहां ईद को लेकर रमजान खत्म होने के बाद जिस तरीके की रौनक और शानदार नजारा था, देखिए रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं जामा मस्जिद के बाहर। यहाँ पे दुकानदार हैं, इन लोगों से बात करेंगे कि ईद के दिन खास क्या है, क्या बाज़ार में किस तरह की रौनक है और सबसे बड़ी चीज़ जो होगी कि किस तरीके से आज ईद के बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। आज ईद का खास मौका है, बाज़ार में किस तरह की रौनक है? अच्छा खासी रौनक है बाज़ार के अंदर। सब लोग ईद की नमाज़ पढ़ के अभी फारिग हुए हैं, अभी सब अपने अपने घर गए हैं, शाम में फिर निकलेंगे क्योंकि सब रात के जगह हुए होते हैं चांद रात के, इसलिए ईद पर अपना आराम करते हैं। अब शाम में निकलेंगे फिर माशाल्लाह फिर रौनक होगी। अभी भी काफ़ी रौनक है, बाहर से पब्लिक आती है, बहुत आदमी बाहर के आते हैं, अच्छी खासी रौनक है ईद की। अच्छी खासी रौनक है, लोग अभी थके हुए हैं, शाम तक और भी रौनक होगी। ये तो हो गई मार्केट की बात, व्यापार की बात। ईद का त्यौहार है, ईद पे खास क्या कहना चाहेंगे आप, क्या दुआएं मांगी आपने? बस जो दिल में थी दुआएं बताई, जाहिर थोड़ी होती है, वो तो खुशी ईद के अलग ही होती है। हम पूरे रमज़ान के रोज़े रख के नमाज तरावी करके अपनी पूरी इबादत अच्छी तरीके से करके फिर ईद वाले दिन तो खुशी का ही होता है हमारा। बहुत अच्छा ईद का त्यौहार निकलता है हमारा, सबसे बड़ा त्यौहार है हमारा ये सब त्यौहारों में ईद का। सब खुश होते हैं इसके अंदर माशाल्लाह से, और बहुत अच्छा होता है। सबके घरों में शीर बनती है, आना जाना होता है, रिश्तेदारों को आना जाना होता है, बहुत काफ़ी मतलब अच्छा त्यौहार है हमारा। सब मिला जुला के कहें तो त्यौहार जो है रिश्तेदारों का आना जाना होता है, सेवैयाँ बनती हैं, मीठी खीर सेवैयाँ लोग जो आपस में देते लेते हैं, मिलन मेल और मिलाप का त्यौहार है। तो ईद मिलन का त्यौहार कहा जाता है और मिलते हुए लोग और काफ़ी खुशी का त्यौहार है। यहाँ पे दुकानदार भी बोल रहे हैं कि काफ़ी रौनक है मार्केट में, शाम तक और भी रौनक हो जाएगी। कैमरामैन सुरेन के साथ कमल सिंह, पंजाबी टाइम्स न्यूज़, दिल्ली।